लोगों की। तो डाइवा डीवेव आ चुका है और डाइवा पेंताम कैटफिश आ चुका है और बहुत सारे मॉडल्स हैं जो पूरे रिस्टॉक हो चुके हैं। और भी जो पिछला वीडियो हुआ था वो भी स्टॉक है, जैसे पेंताम पावर न्यू वर्जन में, ओल्ड वर्जन में, और डाइवा जुपिटर सफारी, और भी बहुत सारे हैं। जैसे मैं हर बार बताते रहता हूँ, जो न्यू स्टॉक आता है सिर्फ उसी का वीडियो बनता है। तो बैक जो स्टॉक आया था, जो स्टॉक रहता है, वो आपको कैटलॉग में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी ये रॉड नहीं है, वो रॉड नहीं है, थोड़े मॉडल्स अभी भी बचे हुए हैं, आप लोग देख के उसमें भी पसंद आने से ले सकते हैं। हाँ, वीडियोस चेक करने के लिए, वीडियोस रॉड के बारे में जानकारी के लिए थोड़ा बैक वीडियोस चेक कर लीजिए, वहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया हूँ। तो शुरुआत करने से पहले फिर से मेरे भाई बहुत सारे जुड़ चुके हैं जो कैश ऑन डिलीवरी मांग रहे हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी हमारे पास नहीं है, आपको पहले पेमेंट करना है, उसके बाद ही यहाँ से डिस्पैच होता है। क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है हर वीडियो में ये बताते जाएँ, तो बहुत खराब बुरा लगता है, क्योंकि आगे जो रेगुलर देख रहे हैं उनको भी थोड़ा बुरा लगता है। तो ये हर बार बता नहीं सकता मैं, थोड़ा मेहरबानी करिए कैश ऑन डिलीवरी वाले थोड़ा दूर रहिए, कैश ऑन डिलीवरी नहीं रहेगा यहाँ पे। हर वीडियो में, बहुत सारे वीडियोस में हम बताते रहते हैं, फिर भी वही रिपीट पूछते हैं कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि पूरा टोटल कर देते हैं। एक तो पूरा सिलेक्शन करना पड़ता है, वो भी कर लेते हैं, एंडिंग में आप लोग ये डायलॉग डाल के निकल जाते हैं। तो यही से थोड़े दूर रहिए, कैश ऑन डिलीवरी नहीं रहेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो फिर वही क्वेश्चन मत करिए, कमेंट्स में हो, व्हाट्सअप में हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। तो डाइवा डी वेव जैसे एक अच्छे रिव्यूज का रॉड है जो फेमस हो चुका है। फेमस क्या, बहुत अच्छा रॉड है जो बेहतरीन रिव्यूज है कस्टमर्स के, खासकर कस्टमर रिव्यूज के हिसाब से मुझे बताना पड़ता है। तो डाइवा डी वेव इस बार स्टॉक आया है 7 फिट 8 फिट। तो 7 फिट 8 फिट ये देख सकते हैं डाइवा डी वेव, बहुत बेहतरीन रॉड है, बहुत हेवी है, जो बिग गेम के लिए भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसके कस्टमर रिव्यूज के हिसाब से बता रहा हूँ, उतना जल्द रॉड टूटने का कुछ चांसेस नहीं है। और कास्टिंग वेट इस पे ओस में दिया है, ल्योर वेट ओस में दिया है। तो ये ओस का जो है हम वो कैटलॉग में क्लियरली दे देंगे, क्या ग्राम से क्या ग्राम तक आप कास्टिंग कर सकते हैं। और लाइन रेटिंग दिया है 12 to 25 LB, 12 से 25 LB तक का लाइन रेटिंग है। और ये गाइड्स आते हैं कोटेड, तो सॉल्ट वाटर एंग्लर्स, बिगनर्स, बिगनर्स जो सॉल्ट वाटर एंग्लर्स हैं, जो कम बजट में एक अच्छा रॉड देख रहे हैं कम बजट में, तो आप लोग इसको ले सकते हैं, बेहतरीन रॉड है। बाकी ये वाला थोड़ा सेफ्टी कर लीजिए, सॉल्ट वाटर एंग्लर्स थोड़ा वॉश कर लीजिए। और रॉड में हर रॉड बताते हैं, तो ये रॉड को क्यों नहीं, चलिए आज इसको भी बताता हूँ, क्योंकि डाइवा डी वेव एक अच्छे रिव्यूज का रॉड है, तभी जाके मैं क्लियरली इसको बता रहा हूँ। तो 7 फिट और 8 फिट, तो 8 फिट में सेम रॉड है, डिट्टो सेम रहेगा, कॉस्टिंग वेट ऑलमोस्ट सेम ओस में ही दिया है, ये भी कैटलॉग में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और रही बात, थोड़ा रॉड हैवी आता है, जो हैवी मीन्स रफ एंड टफ खेलते हैं उनके लिए बेहतरीन है, क्योंकि ये हैवी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो ये रफ एंड टफ वालों के लिए बेहतरीन है। हाँ, रॉड का वेट थोड़ा वेट होता है बाकी रॉड से, जैसे नॉर्मल अल्ट्रा लाइट जैसे स्लिम वाले रॉड्स देखते हैं उनके लिए सब नहीं चलेगा, जो रफ एंड टफ खेलते हैं। आप इस पे ऑलराउंडेड फिशिंग, ऐसा नहीं कि ये मच्छी के लिए ये रॉड बनता है, वो मच्छी के लिए ये रॉड बनता है, ऐसे नहीं, कॉस्टिंग वेट के हिसाब से देख के आपको रॉड्स भी सिलेक्शन करना रहता है। तो ये रॉड ऑलराउंड के लिए चल जाएगा, स्नेक हेड हो, फ्रेशर, रोहू, कतला या सिंगल हुक, सिंगल हुक वालों के लिए भी बेहतरीन रॉड है ये वाला, क्योंकि रिव्यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन है। तो रॉड सेम है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और अनबॉक्सिंग वीडियो में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, उतने बॉक्स निकालते, क्योंकि डबल एक मॉडल डबल बॉक्स रहता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अभी पूरे वीडियोस ऐसे ही बनाता हूँ, निकाल लेता हूँ, क्लियरली समझा देता हूँ। और इसमें रॉड बैग नहीं है, लेकिन हमारे स्टोर से आपको रॉड बैग आ जाएगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब कवर में आता है, इसे बैग नहीं आता है। तो क्लियरली जिसमें बैग है वो हम बैग के साथ रखे हैं, जो बैग नहीं है वो वैसे ही सेम कंपनी से जैसे आया वैसे बता रहे हैं। तो रॉड बैग हमारे साइड से आ जाएगा, हमारे स्टोर से, वो बेफिक्र रहिए। हाँ, यही रॉड नहीं, कौन सा भी सॉलिड फाइबर का भी रॉड ले रहे हैं तो उसको भी बैग आ जाता है हमारे स्टोर का। तो देखिए इतना अच्छा रॉड है और 2000 के प्लस होगा शायद, इसको रॉड बैग नहीं देता है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है डाइवा में। लेकिन रॉड्स एक से बढ़कर एक होते हैं, बेहतरीन होते हैं डाइवा में। तो 7 फिट कैटफिश जो अल्ट्रा लाइट एंग्लर्स है, जो स्लिम रॉड देखते हैं, एक अच्छा रॉड, बेहतरीन रॉड, सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर दोनों के लिए, तो आप लोग इसको ले सकते हैं, क्योंकि रॉड का गेज देख सकते हैं, रॉड का स्लिम भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसमें कॉस्टिंग वेट और डाइवा मॉडल ये थोड़ा बताता हूँ, उसके बाद मैं क्लियरली वो समझाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाइवा पेंताम कैटफिश, और कॉस्टिंग वेट और इसका डिज़ाइन, बाकी रॉड का साइज, कॉस्टिंग वेट, लाइन रेटिंग सब यहाँ पे दिया है। तो पेंताम कैटफिश 7 फिट में आता है, तो 7, 8, 9 ऑलमोस्ट तीनों कॉस्टिंग वेट सेम है, कॉस्टिंग वेट सेम है, क्योंकि मैक्स, खासकर ये डाइवा के रॉड्स में खासकर मैक्स मैक्स 100 ग्राम कॉस्टिंग वेट देता है, मैक्स 100 ग्राम। तो समझ लीजिए आप 10 ग्राम से 5 ग्राम से 100 ग्राम तक का ल्योर वेट पे आप हर कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पून हो, स्पिनर हो, ल्योर्स हो, कुछ भी आपके चॉइस के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। और 7 फिट का रॉड है और 2 सेक्शन, क्लोजिंग लेंथ 111 सेंटीमीटर, और लाइन रेटिंग यहाँ पे दिया है 15 to 30 LB, 15 LB से 30 LB का लाइन आप इस पे यूज़ कर सकते हैं।
और कॉस्टिंग मैक्स दिया है, कॉस्टिंग वेट जैसे मैं बताया 100 ग्राम, और ये आता है मेड इन वियतनाम, मेड इन वियतनाम का रॉड है। तो ये भी सेम है, के गाइड्स आते हैं, तो के गाइड्स आते हैं। और बाकी यहाँ पे पूरा रॉड का डिटेल यहाँ पे दिया गया है, बाकी डिटेल आप कैटलॉग में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे क्लियरली हम दे देंगे। तो वही ग्राफाइट कॉम्प्लेक्स ब्लैंक्स एल्युमिनियम ऑक्साइड रिंग गाइड्स, तो वही है जो रॉड में यहाँ पे दिया गया पार्ट्स जैसा, जो रील सीट ये वगैरह सब वही है वहाँ पे दिया है। तो एक बेहतरीन ग्रिपिंग रॉड है, जो ग्रिपिंग यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रिपिंग रॉड है जो शॉट मारने के लिए, और बाकी लॉन्ग हैंडल भी है, और ईवाई फॉर्म का डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं, बेहतरीन है। और बाकी 7 फीट का रॉड है, तो नेक्स्ट देखते हैं 8 फीट में। तो ऑलमोस्ट मैं थोड़ा कास्टिंग वेट ये चेक कर लेता हूँ, बाकी रॉड तो आप जो देखें सेम वही रहेगा। तो रॉड आता है सेम 8 फीट में, और कास्टिंग वेट है 100 ग्राम। लाइन रेटिंग 17 to 35 LB, उससे थोड़ा 5 LB लाइन रेटिंग ज़्यादा है ये रॉड पे, और बाकी डिज़ाइन में सब सेम है, डिट्टो रहेगा। और के गाइड्स आते हैं, सॉल्ट वाटर एंग्लर्स, आप लोग ये रॉड ले सकते हैं, बेहतरीन है। तो 9 फीट, तो 9 फीट में जो शोर फिशिंग करना चाहते हैं, जो रॉकी एरियाज में अपना टारगेट कवर अप करना चाहते हैं, आप लोग भी ले सकते हैं ये रॉड को शोर फिशिंग में, क्योंकि 9 फीट 10 फीट परफेक्ट होता है जो रॉकी एरिया से आप लोग सॉल्ट वाटर में फिशिंग करते हैं। और बाकी हमारे कार्प एंग्लर्स भी आप लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि 100 ग्राम कॉस्टिंग वेट इस पे है, तो 100 ग्राम के हिसाब से आप गुच्छा सत्तू गोला जो भी है अपने हिसाब से देख के इस पे यूज़ कर सकते हैं। और इसका लाइन रेटिंग दिया है 20 to 40 LB, तो 8 फीट से 5 LB इसका लाइन रेटिंग ज़्यादा दिया है, तो वैसे ही 5 LB 5 LB 5 LB, तो समझ सकते हैं रॉड के हिसाब से लाइन रेटिंग भी रॉड का चेंज हो चुका है। लेकिन कॉस्टिंग वेट तीनों में एक ही है, तीनों में एक ही कॉस्टिंग वेट दिया है, मैक्स 5 to 100 ग्राम तक आप लोग आराम से इस पे चला सकते हैं। जैसे समझ लीजिए ऑलमोस्ट ऑल टारगेट के लिए आप कवर अप कर सकते हैं ये वाला, बजट प्राइस में एक बेहतरीन रॉड है। और प्राइस बोलने से याद आया, चलिए प्राइस का याद आ गया, पिछली बार जो वीडियो देखे थे लुकाना का प्राइस वाइल्ड ब्लैक जो रॉड कार्प रॉड है, वो स्क्रीन पे हम प्राइस दिए थे ओल्ड प्राइस, लेकिन हमें अपलोड होने के बाद पता चला कि प्राइस बढ़ चुका है। जैसे पिछली बार डाइवा पेंताम पावर, जो पिछली बार प्राइस सडनली 1000 रुपीज़ के ऊपर ज़्यादा हो गया सडनली, क्योंकि स्टॉक देखिए मेरा स्टॉक कैसा है, स्टॉक आता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रहता है, और 1 महीने के ऊपर नहीं मिलेगा फिर नया स्टॉक आता है। तो हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है, हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है, जैसे अच्छी बात है जो नया नया स्टॉक आता है, लेकिन ये नए स्टॉक के चक्कर में प्राइस बढ़ते जाता है। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि एक साथ लेके रख लूँ, लेकिन रख कर भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जैसे मैं बताया एक्सपायरी डेट, तो स्टॉक ज़्यादा रख के भी मैं सोचूंगा आगे में ज़्यादा हो सकता है, मैं थोड़ा स्टॉक ज़्यादा कर लूँगा 200-300 रॉड ऐसे करने भी जाऊँगा तो भी मुश्किल है, क्योंकि स्टॉक नहीं रख सकता है। जैसे मैं बताता हूँ रील्स भी उतना ही, रॉड्स भी उतना ही, क्योंकि रख कर वो एक्सपायरी डेट हो जाता है, तो 1 ईयर 2 ईयर समझ सकते हैं वो एक्सपायरी डेट आ जाता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा स्टॉक नहीं करता हूँ, खींचे स्टॉक लेके आता हूँ। जैसे समझ लीजिए अभी ये सबको ज़रूरत था, एक मॉडल में 100 रॉड ख़त्म कर दिया, 1 महीने में सबको मिल गया, तो उसके बाद फिर 100 रॉड एक मॉडल में लेके आता हूँ, तो ऐसे मैं कवर अप करता हूँ। तो प्राइस डाइवा का हो लुकाना का ज़्यादा नहीं है, थोड़े मॉडल्स में इधर उधर होता है, बाकी डाइवा हर बार प्राइजेस ज़्यादा होते हैं, डाइवा का हर स्टॉक में प्राइस ज़्यादा होता है। तो अभी ये स्टॉक आ गया, तो मेरे पीछे के वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं, समझ लीजिए मैक्स ऐसे ही बताता हूँ, डाइवा डी वेव ऐसे ही मैं बताता हूँ, 7 फीट 1500 में मिल गया, तो पीछे का वीडियो देख सकते हैं 1500 वहाँ रहेगा, लेकिन अभी जो अपलोड होगा शायद 200-300 ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे होता है प्राइजेस हर बार चेंजेस होते हैं, तो उसीलिए हम क्लियरली प्राइस स्क्रीन पर दे देते हैं, और कभी कभार हम भी गलती कर देते हैं, स्क्रीन पे सही प्राइस नहीं देते, कभी कभार ज़्यादा हो जाता है या तो कम हो जाता है, तो बाई मिस्टेक से हो जाता है, एक दो हो जाता है, लेकिन सब रॉन्ग प्राइस नहीं आएगा, समझ लीजिए 10-20 प्रोडक्ट में एक रॉन्ग हो जाता है, वो हम कवर अप करते हैं कैटलॉग में, वहाँ पे क्लियर देते हैं, और जो हमें बताते हैं स्क्रीनशॉट ये प्राइस दिया था तो बाई मिस्टेक हुआ है बोलकर हम वो क्लियर कर लेते हैं डाउट्स, तो ऐसे हो जाता है, देख लेंगे क्या प्राइस है पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है, जो भी प्राइस है स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, आप लोग वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद पेंताम स्नैपर बहुत वेटिंग करा दिया हमें इसको लाने में, तो ये रिस्टॉक हो चुका है, कल से आप बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत फेमस रॉड है पेंताम स्नैपर, पेंताम पावर, ये सब बहुत फेमस रॉड है, जो आते हैं ऐसे ही निकल जाते हैं, रुकते नहीं हैं, क्योंकि उतने अच्छे रिव्यूज़ है ये रॉड पे, खासकर हमारे सॉल्ट वाटर एंग्लर्स के लिए। पेंताम स्नैपर आप रिव्यूज़ चेक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और ये आता है 8 फीट में, लेंथ 2.4 और सेक्शन 2 17 to 35 LB लाइन रेटिंग है, 17 LB से 35 LB, और इसमें भी दिया है मैक्स कॉस्टिंग वेट 100 ग्राम, और मेड इन वियतनाम का आता है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली दिया है, तो मेड इन वियतनाम पूरा डिटेल यहाँ पे है, और मॉडल यहाँ पे देख सकते हैं, और ये कार्बन का रॉड आता है, ऑलमोस्ट पेंताम कैटफिश, पेंताम पावर, पेंताम स्नैपर सब कार्बन रॉड्स हैं। और ये जो है फूजी गाइड में आता है, तो फूजी गाइड को कंपनी से यहाँ दिया जाता है, ये फूजी गाइड है,
क्योंकि पेंथम स्नैप पेंथम कैटफिश अभी डाइवा डी वेव देखे उसमें ये लॉगो नहीं आता है क्योंकि फूजी गाइड नहीं है वो, तो इसीलिए वो रॉड का प्राइस थोड़ा कम होता है खासकर ये फूजी गाइड के वजह से, क्योंकि ये खासकर सॉल्ट वाटर के लिए बहुत जल्द रश नहीं होते हैं, उसीलिए बहुत थोड़ा हाई रेंज में आता है। प्लस ऐसा नहीं कि रश नहीं होते हैं, रश होते हैं, लेकिन इसकी भी आप सेफ्टी करिए, फिशिंग के बाद ज़रूर से अपना गाइड्स वॉश करके रखिए, क्योंकि फूजी गाइड दिया है लेकिन फूजी गाइड भी रश होते हैं, क्योंकि पिछली बार जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था मैं, फिशिंग जाके आके मैं सोचा फूजी गाइड था, चलो नहीं होगा कुछ नहीं होगा बोल के मैं छोड़ दिया, तो एक हफ्ते के बाद निकाल के देखा तो पूरा जंग मीन्स वो रस्ट रस्ट के डॉट्स आ गए थे, तो वो डॉट्स सब मैं वॉश करके उसको क्लियर किया। लेकिन क्या होता है गलती से कभी कभार हम महीने भर भी फिशिंग नहीं जाते हैं, ऐसे ही भूल के रख देते हैं, तो समझ सकते एक महीने में कितना वो ये रस्ट हो सकता है, तो इसीलिए हर वीडियोज़ में समझाते रहता हूँ वॉश कीजिए वॉश कीजिए, वॉश करेंगे सेफ्टी में रहेंगे, बिना वॉश के रख देंगे तो शायद बहुत जल्द गाइड्स खराब होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रॉड बेहतरीन है, रॉड उतना आसान से टूटेगा नहीं, लाइफ आ जाएगा, लेकिन गाइड्स ही चले गए तो आप रॉड का क्या करेंगे, क्योंकि आज के माहौल में अगर एक गाइड भी आप चेंज करना चाहते हैं तो 500 प्लस जाता है, 500 प्लस एक गाइड चेंज करने का, क्योंकि समझ सकते हैं अभी इसमें एक तकरीबन एक 7-8 गाइड्स हैं, तो 7-8 गाइड आप चेंज करेंगे तो उससे अच्छा नया रॉड ले सकते हैं, तो इसीलिए सेफ्टी कीजिए गाइड्स की सेफ्टी कीजिए, खासकर सॉल्ट वाटर एंग्लर्स, फ्रेश वाटर एंग्लर्स के लिए टेंशन नहीं है, बेफिक्र खेलिए तो बेहतरीन है, और रॉड का वेट डिटेल क्लियरली आपको कैटलॉग में मिल जाएगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं, बेहतरीन रॉड है। तो उसके बाद वर्साटाइल फिर से रिस्टॉक हो चुका है, 7 फीट 8 फीट दोनों साइज में अवेलेबल है, क्योंकि पिछली बार स्टॉक आया था 8 फीट का लेकिन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो फिर से रिस्टॉक कर चुका हूँ, 7 फीट 8 फीट दोनों स्टॉक में है, जिनको जो ज़रूरत है आप लोग ले सकते हैं। और वर्साटाइल बहुत बार मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियोस, तो बेहतरीन रॉड है जो ऑल इन वन है, ऑल इन वन मीन्स आप जिगिंग पॉपिंग स्पिनिंग तीनों फिशिंग का कवर अप इस पे कर सकते हैं, आप इस पे जिगिंग भी कर सकते हैं पॉपिंग भी कर सकते हैं और स्पिनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिगिंग पॉपिंग स्पिनिंग तो ये तीनों का अंतर क्या है, तो ये भी बहुत लोग को पता नहीं है, तो बस हमारे फ्रेश वाटर एंग्लर्स उनको पता नहीं है, क्योंकि बहुत से मैसेज आते हैं कि आप ये बताते रहते हैं जिगिंग पॉपिंग स्पिनिंग तो ये क्या है। तो जिगिंग जो है ऑलमोस्ट जैसे सॉरी वो पूरा पीछे चला गया है, जिगिंग मीन्स एक लेड का एक ल्योर आता है, लेड वो फुल लेड होता है, तो जिगिंग मीन्स 50 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक का भी जिग आता है, तो रॉड के हिसाब से आप देख के यूज़ कर सकते हैं। तो जिगिंग मीन्स सिर्फ ड्रॉप करना है, जिग करना है, उसे जिगिंग कहते हैं। और स्पिनिंग जैसे ल्योर्स कौन सा भी ल्योर हो जो आप कास्ट करते हैं रिट्रीव करते हैं उसे बोलते हैं स्पिनिंग। और पॉपिंग जो होता है जो पॉपर्स आप बहुत वीडियोस में देख चुके हैं पॉपर्स जो पॉप करते हैं, तो पॉपिंग के लिए ये रॉड है, मीन्स एक रॉड में तीन काम आप चला सकते हैं। तो ये समझ लीजिए अभी पॉपिंग रॉड लेने जाएंगे वो सेपरेट अगर लेते हैं तो तकरीबन एक डाइवा में ऐसे ही बताता हूँ लेने जाएंगे तो 8000 का, स्पिनिंग में एक रॉड पेंथम पावर हो कुछ भी एक लेने जाएंगे तो 4000, और जिगिंग रॉड लेने जाएंगे तकरीबन लुकाना में मिल जाएगा तो समझ लीजिए 3000। तो ये तीनों कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 20000 के ऊपर चल जाएगा, 20 और प्लस जा सकता है। और तीनों एक रॉड में अगर काम चल रहा है तो क्यों हम ये सेलेक्ट नहीं किए नहीं करना है, तो ये रॉड सबसे बेहतरीन है जो 3-in-1 काम कर जाता है प्लस तीनों में आपको काम आ जाता है, तो ये रॉड मैं सजेस्ट करूंगा ये लेने के लिए, क्योंकि खासकर सॉल्ट वाटर एंग्लर्स के लिए, क्योंकि एक रॉड पे तीन काम चल जाता है, तीन रॉड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक ही रॉड पे पूरा कवर अप कर सकते हैं। और बाकी फूजी गाइड का आता है, फूजी गाइड तो यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके गाइड भी बहुत बेहतरीन है, जैसे वो प्लैटिनियम में बनाते हैं तो वो मटेरियल से इसके गाइड्स बनते हैं, और इसका जो सेरेमिक है सेरेमिक भी बहुत हैवी है, जो सेरेमिक नीचे जैसे नॉर्मल रॉड्स होते हैं जो रॉड नीचे गिरने से सेरेमिक बहुत जल्द डैमेज होता है, तो ऐसे डैमेज होने का सेरेमिक नहीं है, बहुत हाई क्वालिटी का है, क्योंकि इसके वीडियोस देख चुका हूँ तभी मैं बता पा रहा हूँ। तो बाकी रॉड का डिटेल देखते हैं, हाँ खासकर ये बट जॉइंट में आता है, क्योंकि ये सिर्फ पीछे का पोर्शन होता है, ये पूरा आगे का पोर्शन होता है, ये आपको थोड़ा कैरी करने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन रॉड बेहतरीन है जैसे मैं बता रहा हूँ। और बाकी हमारे स्नेक हेड एंग्लर सोच रहे होंगे मैं भी ले लूँ, आप भी ले सकते हैं नो प्रॉब्लम, क्योंकि है बहुत सारे लोग जो अनब्रेकेबल रॉड्स देखते हैं जो मजबूती में ढूंढते हैं, तो आपका चॉइस है, लेकिन प्रोफेशनली रॉड बना गया है सॉल्ट वाटर के लिए, बाकी आपके चॉइस के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं, बस इतना ही मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे भी यही जवाब देना रहता है आप ये क्यों रॉड ले रहे हैं, एक्चुअली ये सॉल्ट वाटर एंग्लर्स के लिए है और सॉल्ट वाटर फिशिंग के लिए है, तो बताते हैं कि मुझे थोड़ा हेवी रॉड चाहिए था, ढूंढ रहा था अच्छा रॉड, तो चलिए आपका चॉइस है, अगर कैरी कर सकते हैं या तो इस पर ही चला सकते हैं तभी हम रेफ़र करके देते हैं, क्योंकि जैसे मैं हर बार बताते रहता हूँ अभी ग्रुप्स जो भी कस्टमर है जो हमारे से खरीदते हैं तो वो ग्रुप पे ऐड होते हैं, तो वो ग्रुप पे ऐड होते हैं वहाँ पे डिस्कशन चलता है कि मैं ये रॉड और ये रील लिया हूँ ये सही है क्या, और मैं यहाँ से लिया हूँ, आप कहीं से भी लो आपका अपडेशन वहाँ पे कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन सजेक्शन मेन आता है यहाँ पे, सजेक्शन किसने किया आपको ये किसने दिया, तो यहाँ पे
समझ लीजिए पांच उंगली एक साइज में नहीं है, एक छोटी एक बड़ी, एक उससे बड़ी उससे छोटी है। तो इसी तरह कस्टमर्स भी रहते हैं, तो हर एक माइंड में, हर एक कस्टमर के माइंड में हर एक क्वेश्चन रहता है। तो ये क्वेश्चन आंसर ये मैं थोड़ा दूर रखता हूँ, पूरा क्लियरली करके मैं देता हूँ, भले वो एक दिन दो दिन लेट हो जाए आपका बुकिंग लेना, लेकिन मैं पूरा पूछ कर आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, ये बता के मैं आपको सही प्रोडक्ट आपको देता हूँ। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आंसर ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं क्लियरली यहाँ पे समझाता हूँ, और बाकी आपका चॉइस है, आपके हिसाब से देख के आप कुछ भी ले सकते हैं। तो पेंताम वर्सटाइल, तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्टिंग वेट और यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है, तो ये देख सकते हैं, और पेंताम वर्सटाइल, और बाकी ये कार्बन का भी मैं क्लियरली ये डिटेल में दे चुका हूँ क्लियरली, क्योंकि पिछली बार भी जैसे वीडियो अपलोड हुआ तो समझ लीजिए उसके दूसरे दिन जो मॉर्निंग वीडियो अपलोड हुआ उसका इवनिंग में एक ग्रुप्स में वायरल हुआ था वीडियो, जो करंट पोल के नीचे कास्ट किए वो लाइन जाके उसमें अटक कर वहीं पे शॉक होकर उनका इंतकाल हो गया। तो बुरा लगता है, इसीलिए हम समझाते हैं करंट के जो वायर्स होते हैं उसके नीचे फिशिंग मत करिए, खासकर कार्बन रॉड्स लेकर, क्योंकि पिछली बार बताया था मैं क्लियरली, फिर भी बता रहा हूँ, और पूरे ग्रुप्स में व्हाट्सअप ग्रुप्स में वो ऑलरेडी वायरल हुआ था, और साथों साथ हमारा जो वीडियो था शॉर्ट कट कर वो भी वीडियो वहाँ पे पूरा फॉरवर्ड किए थे। तो देखा मैं, बहुत बुरा लगा कि वीडियो रात में किए शाम में ये खबर आई, तो शायद वो वीडियो वो देख लेते शायद कुछ होता, क्या मालूम नहीं उनकी नसीब है। चलिए कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ कर सकते हैं उनके लिए, तो दुआ कीजिए उनके लिए जो वो ये हादसा हुआ है। थोड़ा देखिए रफ एंड टफ, ऐसे रफ एंड टफ एंगलर्स हैं ये फील्ड में, मैं खासकर बताता हूँ, क्योंकि खासकर ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऐसे बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है, जब मैं वहाँ पर बता रहा हूँ तुम्हें वो रॉड नहीं चलता है, वो रॉड से आप ये नहीं कर सकते, तो बोलते क्यों नहीं कर सकते, मैं करूँगा उससे ही खेलूँगा, तो मैं क्या बोलूँ, जा भाई जा तू वही लेके जा, तो बस इतना ही बोल सकता हूँ मैं। तो थोड़ा जो समझाना चाह रहा हूँ उसका फॉलोअप कीजिए, आपके प्रॉब्लम्स भी क्लियर हो जाएंगे, रॉड टूट ना हो या तो कुछ हादसे से बचना हो, बहुत कुछ बच सकते हैं, थोड़ा फॉलोअप कीजिए हो सके तो, क्योंकि हमारे लिए, हमारे भाइयों के लिए मैं खुद यहाँ पे बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट ले लिए थमा दिया दे दिया, ऐसा नहीं है, मैं पूरा समझा के देने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, कैसे भी कीजिए, कुछ भी लीजिए, कुछ भी खेलिए, बस रॉड मीन्स समझ जाते हैं बहुत लोग, सिर्फ रॉड ही है, पूरे रॉड वही होते हैं, बस ये लोग प्राइजेस इधर उधर करके झमेला करके सिर पे डालते हैं, ऐसा नहीं है, हर ब्रांड में हर प्रोडक्ट अलग अलग होता है, हर रॉड का कार्बन अलग होता है, तो ऐसे प्राइजेस भी अलग अलग होते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, जो जानते हैं उनको सही से पता है, जो नहीं जानते हैं ऐसे रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, और उसके अलावा दूसरा बहुत कुछ सोच लेते हैं, क्या मालूम नहीं कैसे सोचते हैं वो भी पता नहीं चलता है। तो पेंताम वर्सटाइल 8 फीट में, तो बस इसमें कॉस्टिंग वेट देख लेता हूँ, शायद बातों में वो देखा नहीं बोला भी नहीं, थोड़ा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाते जाता हूँ, बातें जो याद आ जाती है वो वैसे ही भूल जाता हूँ। तो इसमें लेंथ 2.13 mm है, तो सेक्शन 2 दिया है, लेकिन बट जॉइंट है, क्लोजिंग लेंथ 160 सेंटीमीटर, तो एक पीस का, और कॉस्टिंग वेट दिया है 120 ग्राम, 5 ग्राम से 10 ग्राम से 120 ग्राम तक आप कौन सा भी ल्योर जिग पॉपर्स चला सकते हैं 120 ग्राम तक, और लाइन रेटिंग है 20 to 40 LB लाइन रेटिंग है, तो खासकर लाइन रेटिंग के हिसाब से देख के ही रॉड लीजिए, ये भी मैं समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में, लाइन रेटिंग के हिसाब से अगर रॉड यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है रॉड का हाल, तो ये हिसाब से भी आप लोग देख के थोड़ा लेना है लाइन रेटिंग के हिसाब से, क्योंकि अभी समझ लीजिए पॉपिंग में थोड़ा लाइन हैवी लगता है बड़े पॉपर्स के लिए, वैसे भी 120 ग्राम के ऊपर मुश्किल है आपको कास्ट करना, तो वो हिसाब से 120 ग्राम की कास्टिंग वेट के हिसाब से 40 LB का लाइन काफ़ी है, आप पूरा टारगेट कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि मेन इस पर ट्रोलिंग नहीं है, अगर ट्रोलिंग का रॉड होता तो और थोड़ा हैवी लाइन चाहिए था आप लोगों को, लेकिन ये ट्रोलिंग के पर्पज का रॉड नहीं है, तो ये आपके लिए पॉपिंग जिगिंग स्पिनिंग ये इसके लिए परफेक्ट सेटअप है खासकर, और जिगिंग के लिए तो ये वन नंबर वन रॉड है वो वाला। तो नेक्स्ट रॉड देखते हैं 8 फीट में, सेम रॉड है डिट्टो, बस 1 फीट ज़्यादा आता है, और इसका लाइन रेटिंग प्लस लाइन रेटिंग चेक कर लेते हैं, बाकी कॉस्टिंग वेट तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो ये देख सकते हैं, और बाकी 8 फीट, तो सिंगल पीस आता है, बस ये एक ही प्रॉब्लम है इसमें, थोड़ा कैरी करने में मुश्किल होता है, लेकिन रॉड बेहतरीन है, तो ऑलमोस्ट पूरा 1 फीट या तो 1.5 फीट ये समझ लीजिए, तो 6.57 फीट तक का सिर्फ आगे का टिप आता है आपको, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है 2.44, तो सेंटीमीटर में मुझे आता नहीं है, तो वो हिसाब से मैं कुछ बताऊंगा नहीं, बाकी कैटलॉग में क्लियरली दे दूंगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं, और इसका कॉस्टिंग वेट दिया है 120 ग्राम, लाइन रेटिंग भी सेम है जितना वो रॉड का मैं एक्सप्लेन किया क्लियरली, पूरा डिट्टो सेम वही डिटेल्स है ये रॉड का, और ये खासकर पैकिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे नॉर्मल रॉड से, क्योंकि आप समझ सकते हैं 6 फीट, तो 6 फीट सिर्फ एक पाइप लगेगा इसको पैक करने में, वो भी 3 इंच का पाइप, तो सिर्फ पाइप का ही ज़्यादा इसमें चार्जेस हो जाता है, प्लस वेट के हिसाब से
सेवन फिट के रॉड का दुगना वेट इसका आ जाता है, तो इसमें थोड़ा चार्जेस ज़्यादा होंगे खासकर ये रॉड का। बाकी रॉड्स के तो ऑलमोस्ट ढाई इंच तीन इंच के पाइप में हो जाता है, वो शॉर्ट रहता है तो चल जाएगा। तो 8 फिट और बहुत सालों के बाद ये रॉड फिर से आया है स्टॉक में। तो अल्ट्रा लाइट जैसा जो देख रहे हैं लाइट वेट रॉड, तो उनके लिए ये रॉड है खासकर। तो अच्छा स्वाइप फायर पिछली बार भी आया था, बराबर ये नहीं वो रॉड है वो बताता हूँ मैं। तो ये रॉड अल्ट्रा लाइट जैसा जो देख रहे हैं स्वाइप फायर, जो छोटे फ्रॉक्स छोटे शर्ट्स छोटे ल्यूअर्स और छोटे स्पिनर्स जो चलाना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल की वजह से बता रहा हूँ। और लाइट वेट है रॉड का, ज़्यादा वेट नहीं है, और ये पूरा कॉर्क डिज़ाइन का आता है, कॉर्क डिज़ाइन है, कॉर्क नहीं है, जैसे फॉर्म में ईवाई फॉर्म में कॉर्क डिज़ाइन आता है। बहुत लोग इसको देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कॉर्क है, क्योंकि कॉर्क हैंडल के रॉड्स बहुत लोग को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कॉर्क हैंडल का रॉड्स आज मैं बताता हूँ, खासकर ईवाई फॉर्म का रॉड्स। तो चलिए मैं इसी को मैं कंपेयर करता हूँ, मीन्स ऐसे ही बताता हूँ ईवाई फॉर्म का प्रॉब्लम क्या है और ये हैंडल को क्यों सब लोग पसंद करते हैं। तो ईवाई फॉर्म का प्रॉब्लम ये है, कभी कभार हम लाइव बेड भी यूज़ करते हैं या तो फीडर भी यूज़ करते हैं। मैं ऑल राउंड ऐसे ही बता रहा हूँ, ये रॉड का नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सोचिए सुनिए क्लियरली। तो मैं सिर्फ ईवाई फॉर्म का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या होता है, हम फीडर खेलते हैं या तो लाइव बेड खेलते हैं या तो हुक पे जो बैट खेलते हैं वो खेलते हैं, तो रॉड कभी भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पकड़ते हैं या तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिपिंग के समय यहाँ पे पकड़ते हैं। तो रॉड में जो हाथ में जो फीड रहता है, फीड हो स्मेल हो कुछ भी, यहाँ पे ईवाई फॉर्म पे लगता है। तो यहाँ पे लगता है, तो ईवाई फॉर्म क्या होता है, वो क्या बोलते हैं कॉकरोच या तो कुछ भी हो, क्योंकि वो स्वीट के स्मेल के वजह से या तो कुछ भी उसको स्मेल आ रहा है, तो यहाँ पे वो आकर ये ईवाई फॉर्म को काटता है, रैट चूहा तक काटता है। ऐसे बहुत सारे मुझे आते हैं फोटोस, भैया इसको क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ टेप मार के आपको रखना है या तो कुछ अपने हिसाब से देख के उसको बनाना है, बस इतना ही है। क्योंकि ये नहीं मिलता है, मिलेगा तो भी वो बनाना फिट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मशीनरीज के हिसाब से वो काम बनता है, तो हम लोग उसको बनाना थोड़ा मुश्किल है। अगर मिल भी गया तो सही से फिक्सअप नहीं कर पाएंगे, ये भी बड़ा मसला है। तो बस मैं आइडिया दे रहा हूँ, बचा लीजिए। तो कभी भी रॉड आप खेलने के बाद ये फॉर्म को ईवाई फॉर्म को वॉश करके रखना है, क्योंकि वो स्मेल या तो फीड वहाँ पे लगा रहता है, उस वजह से वो कॉकरेज हो कुछ कीड़ा हो कुछ भी वो काट के आपका फॉर्म खराब कर सकता है, आपका मीन्स आपके रॉड का फॉर्म। तो इसीलिए बहुत लोग ये पसंद करते हैं, क्योंकि कॉर्क हैंडल प्लस अगर कॉकरोच खाने भी कोशिश किया, कॉर्क हैंडल उतना ईजी से खा नहीं पाएगा या तो काट नहीं पाएगा, प्लस उस पर अगर हो भी गया तो दिखता नहीं है, तो इसीलिए बहुत लोग कॉर्क हैंडल पसंद करते हैं। तो बहुत दिनों से सोच रहा था कभी ऐसे मिल गया तो समझाऊंगा, तो समझा चुका हूँ कॉर्क हैंडल का फ़ायदा और फॉर्म का ईवाई फॉर्म का फ़ायदा। तो बस उसे आप वॉश करके रख लीजिए या तो उसके ऊपर टेपिंग वगैरह कुछ भी कर लीजिए, किसी भी हाल में आपको वॉश करना ही है, क्योंकि फीड वहाँ पे लगा रहता है तो वॉश करना ही है। तो स्वाइप फायर 8 फीट में, और इसका 2.44 सेंटीमीटर टू सेक्शन, और 7 ग्राम से 28 ग्राम तक आप इस पर ल्योर वेट चला सकते हैं, समझ लीजिए 30 ग्राम तक। तो इसीलिए मैं बता रहा था अल्ट्रा लाइट जैसा है, जो एक्शन इसका दिया है मेड इन वियतनाम, एक्शन तो यहाँ पे नहीं है, जो भी एक्शन है इसका मैं चेक करके मीडियम हैवी फास्ट एक्शन तो यहाँ पे दिया है MHF, तो ऑलमोस्ट यही है। और लाइन रेटिंग है 8 LB to 17 LB, 8 LB से लेके 17 LB तक, जितना पतला लाइन यूज़ करेंगे उतना मज़ेदार फिशिंग कर पाएंगे, उतना मज़ा भी ले पाएंगे आप ये रॉड पे। लाइट वेट है लेकिन बहुत बेहतरीन रॉड है, आप देख के ले सकते हैं अपने ल्योर वेट, खासकर स्नेक हेड एंग्लर्स ज़्यादा से ज़्यादा 30 ग्राम चलाते हैं, और अल्ट्रा लाइट जो ल्योर्स चलाते हैं उनके लिए, और बाकी स्पिनर्स कुछ भी अपने टारगेट के हिसाब से देख के लीजिए। और ये आता है ऑलमोस्ट, ये भी के गाइड का आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं के गाइड आता है, कोटेड आता है और सिंगल लेग में आता है। इसका थोड़ा ध्यान रखिए सिंगल लेग के गाइड्स का खासकर, लेकिन ज़्यादातर रॉड को लाइट वेट करने के लिए सिंगल गाइड यूज़ करते हैं, सिंगल लेग के गाइड्स, क्योंकि इससे रॉड का वेट कम हो जाता है और बैलेंसिंग परफेक्ट रहता है उसी लिए। तो स्वाइप फायर 8 फीट में, लेकिन 7 फीट स्टॉक नहीं मिला, सिर्फ 8 फीट में है, आप लोग देख के ले सकते हैं। तो उसके बाद इसी रॉड की बात कर रहा था जो बहुत साल के बाद ये स्टॉक मिला मुझको, अल्ट्रा लाइट, स्पेशली अल्ट्रा लाइट वालों के लिए बेहतरीन रॉड है, जो स्लिम रॉड में बहुत पसंद करते हैं उनके लिए। और ऑलमोस्ट इसका प्राइस क्या है मुझे पता नहीं है, फिर भी जो भी प्राइस है स्क्रीन पे आ जाएगा, क्योंकि बहुत सालों के बाद स्टॉक मिला है तो कन्फर्म नहीं हूँ मैं। तो ये डिज़ाइन देख सकते हैं, और बाकी यहाँ पे डिज़ाइन बाय डाइवा, तो डाइवा का लॉगो और रील सीट भी बहुत बेहतरीन है। और बाकी रॉड का थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि बहुत साल के बाद आया है तो मैं क्लियरली दिखाऊंगा इसको, दिखाऊंगा भी और चेक करके बताऊंगा भी। तो ये देख सकते हैं X-Core 1, तो इसीलिए यहाँ पे दिया है, और बाइंडिंग X तो यहाँ दिया है देखिए,
तो इसीलिए इसको एक्स कार्बन दिया गया है। तो ये कस्टम है या तो कार्बन डिजाइन सेम है पता नहीं है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट हाँ कस्टम जैसा किया है, एक्स कार्बन इसके ऊपर रैप, वो एक रैप एक्स्ट्रा किया है डिजाइन के लिए, तो बेहतरीन है। और रॉड, रॉड बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। तो कॉस्टिंग वेट देखता हूँ इसका क्या है। तो कॉस्टिंग वेट ओस में दिया है, तो ओस में मुझे बताना मुश्किल है, तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी नहीं देना चाहता हूँ मैं, अगर पता है तभी बताता हूँ। तो मॉडल क्रॉस फायर एक्स और 7 फीट का आता है, इस पे भी लाइन रेटिंग दिया है 8 to 17 LB, 8 LB से 17 LB तक का लाइन आप इस पे यूज कर सकते हैं, जैसे अल्ट्रा लाइट एंग्लर्स उनके लिए बेहतरीन रॉड है, बेहतरीन रॉड है। और 7 फीट का है, जो लाइट वेट में रॉड्स ढूंढते हैं आपके लिए, तो जानदार रॉड बोल सकता हूँ ये वाला। और ये भी आता है हाई परफॉर्मेंस ग्राफाइट ब्लैंक ब्रांडिंग ब्राइडिंग एक्स ऑल टिंसल ऑक्साइड, ये मुझे थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे रॉड का पूरा क्लियर डिटेल दिया, जैसे जो गाइड्स यूज किए हैं वो वाला, और बाकी जो भी है रील सीट ये सब यहाँ पे दिया है, और ये फॉर्म का तक देता है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन है। और हुक कीपर, तो यहाँ पे हुक कीपर भी दिया है, तो ऑलमोस्ट हुक कीपर, तो यहाँ पे हुक कीपर नहीं दिया है, अच्छा यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ये रॉड में फीचे दिया है हुक कीपर, क्योंकि ये रॉड को देख सकते हैं हुक कीपर यहाँ पे दिया है। तो ये है हुक कीपर, जो आपका और ल्योर वेट ल्योर कुछ भी स्पॉट चेंज करते समय वहाँ लगा के जाने के लिए वो खास कर देता है, बहुत सेफ्टी है वो, क्योंकि स्पॉट चेंज करते समय वहाँ पे हुक ल्योर कुछ भी हो आपका वहाँ पे लगा के जाइए, मीन्स स्पॉट चेंज करते समय। और खासकर बहुत लोग यहाँ पे लगाते हैं सेरेमिक्स में, क्योंकि बहुत आसान है, सब आसान ही चाहिए हमारे भाइयों को, जो मिल गया उसमें डाल के घुसा देते हैं, तो ये बचाना है सेरेमिक्स। तो सेरेमिक्स में ऐसे हुक्स ल्योर्स कुछ भी मत डालिए, एक स्क्रैच के वजह से भी आपका लाइन कट हो सकता है, तो यहाँ पे हुक लगाना ही मना है। तो उसी लिए यहाँ पे सेफ्टी दिया है, हुक यहाँ पे लगा के आपका ल्योर जो भी है आप स्पॉट चेंज करते समय या तो कहीं जा रहे हैं तो लेके जाने के लिए यहाँ पे लगा के अपना ल्योर्स लेके जाइए, यहाँ पे मत लगाइए। तो जो भी प्राइस है तो स्क्रीन पे आ जाएगा, देख सकते हैं, लेकिन रॉड बहुत बेहतरीन है लाइट वेट में, और वो भी आता है सिंगल लेग का गाइड, तो ये भी ध्यान रखना है, सिंगल लेग के गाइड्स को आपको सेफ्टी करना है। तो उसके बाद सुपीरियर, सुपीरियर फिर से रीस्टॉक हो चुका है, रीस्टॉक मीन्स ऑलरेडी थोड़ा बचा है, शायद ज़्यादा नहीं है, 2-3 रॉड बचे हैं, तो उसीलिए फिर से ये रीस्टॉक हो चुका है, और बहुत सारा है तो पूरे बॉक्सेस नहीं निकाल सकता हूँ। तो डाइवा जुपिटर सुपीरियर फिर से क्या ऑलरेडी स्टॉक है 2-3 पीस, फिर से रीस्टॉक किया हूँ, तो इतना ही बोलूँगा, फिर से रीस्टॉक किया हूँ, क्योंकि ये बहुत फेमस रॉड है, जो कम बजट में एक अच्छा रॉड है, जो सब लोग पसंद करते हैं इसको, सब लोग क्या मेरे हिसाब से 80% लोग इसको पसंद करते हैं, और हर कोई ये कलेक्शन में रखा है, खेले ना खेले उससे ये नहीं है, लेकिन कलेक्शन में हर कोई ये रॉड लेके रखे है, ये तो मुझे बुकिंग के समय ही पता चल जाता है, क्योंकि बैक टू बैक जो ये ले रहे हैं वही पीछे पीछे ले रहे हैं, या तो अपने दोस्तों को दिला रहे हैं, ऐसे बुकिंग हो रहा है, तो उसी हिसाब से बता रहा हूँ। और बाकी इस पे डिटेल वगैरह कॉस्टिंग वेट कुछ नहीं है, लेकिन लाइन रेटिंग के हिसाब से 12 to 35 LB तक का लाइन रेटिंग आप इस पे चला सकते हैं, और कॉस्टिंग वेट मुझे पूछेंगे तो 100 ग्राम तक भी चला सकते हैं, क्योंकि इस पे 100 ग्राम के ऊपर भी फीडर्स चलाते हैं, लेकिन कॉस्टिंग वेट यहाँ नहीं दिया है, मैं नहीं बताऊंगा, कस्टमर के वीडियोस के हिसाब से मैं बताऊंगा 100 ग्राम तक आप लोग इस पे चला सकते हैं ये रॉड पे। और बाकी डिज़ाइन में इसका तो कुछ जवाब नहीं है, बोले जैसा नहीं है, तो हर कोई भी इसको परचेस कर सकता है। और इसका भी प्राइस जैसे पिछली 1-2 साल पहले का वीडियोस चेक कर सकते हैं, 1500 रुपये में ये रॉड आता था, 1500, अभी ये जब लॉन्च हुआ तो 1770 रुपया हो गया, 270 रुपया इसका दाम बढ़ गया। ऑलरेडी ये मार्केट में आने के बाद 2-3 वीडियो हो चुके हैं, शायद एक 4th वीडियो है सेम रॉड का, क्योंकि स्टॉक बैक टू बैक आते रहता है, तो बैक टू बैक हमें समझाना भी रहता है, अभी स्टॉक है बोल के हम इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे वीडियो देख के लेना पसंद करते हैं, तो उसी लिए मैं क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप लोग जो समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे वो देख के आप लोग ले सके। तो जुपिटर सुपीरियर फेमस रॉड है, आप लोग ले सकते हैं। तो उसके बाद फाइनली एक रॉड है सर्फ रॉड, उसे थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना है, तो उससे पहले मैं थोड़ा ये क्लियर कर देता हूँ, ये क्यों बीच में मैं निकाल लिया, क्योंकि पिछली बार वो स्टॉक, जैसे मैं बताता हूँ मैं क्या बुकिंग करता हूँ, क्या मंगाता हूँ, मुझे खुद याद नहीं रहता है, बस मेरा काम है मंगाना, उसके बाद जो भी है जान दो, भूल जाता हूँ मैं। तो इस बार पिछले बार ही स्टॉक आ गया 8 फीट बाइट कास्टिंग रेनबो, लेकिन जैसे मैं बताया वो बॉक्सेस ज़्यादा रहते हैं तो ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बस आगे से काटते हैं, एक रॉड निकाल लेते हैं, ख़त्म, मैं सोचते हैं पूरा बॉक्स वही है, तो उस वजह से मिसिंग हुआ था ये रॉड, तो रेनबो बाइट कास्टिंग में, लेकिन 8 फीट, सिर्फ 8 फीट में स्टॉक है, 7 फीट वन डे में शोल्ड आउट, और बहुत सारे लोगों को नहीं मिला स्टॉक, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मैं फिर से बुकिंग किया हूँ, रीस्टॉक हो जाएगा बहुत जल्द, वो लेके आऊँगा, आप फिर से बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को स्टॉक नहीं मिला, स्पिनिंग में भी 9 फीट 10 फीट वन डे में शोल्ड आउट, एक ही दिन अपलोड हुआ, समझ लो इवनिंग फिर अर्ली मॉर्निंग में शोल्ड आउट पूरे फिनिश, अभी स्पिनिंग में भी है 7 फीट 8 फीट,
और बाइट कास्टिंग में सिर्फ 8 फीट, बस एक ही साइज में स्टॉक है। प्राइस बहुत कम है और रॉड का मजबूती लाजवाब है, देख के आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें वैसे भी बाइट कास्टिंग रॉड्स नहीं है, तो बाइट कास्टिंग रॉड्स जो भी वेटिंग कर रहे थे आप लोग इसको ले सकते हैं बेफिक्र से। 8 फीट का रॉड है, सिर्फ 1000 रुपीज़ है, लेकिन मजबूती प्लस पूरा रॉड का फायदा आप निकाल सकते हैं ये रॉड का। तो 8 फीट रेनबो में, जो पिछली बार भूल गया था तो वो बता चुका हूँ, तो कल से आप जो भी, अगर 7 फीट जिसको नहीं मिला, शायद आप लोग देखे भी नहीं और कैटलॉग में हम लेट अपलोड किए तो उसी वजह से बहुत लोग को पता भी नहीं होगा, अगर ये वीडियो में देख रहे हैं पसंद आ रहा है आप लोग कल से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद फाइनली निकला है सर्फ रॉड, तो डाइवा का सर्फ रॉड जो पिछली बार स्टॉक आया था खत्म हुआ था, तो 450 मीन्स ऑलमोस्ट 15 फीट का रॉड आता है, तो शायद 8000 के करीब होगा ये, तभी जाके रॉड बैग दिया है, नहीं तो 3000 को भी ये रॉड बैग नहीं देगा डाइवा। डाइवा थोड़ा इंडियन एंग्लर्स का ध्यान रखे, क्योंकि रॉड आप लोग दे रहे हैं तो मेरा सवाल है डाइवा से, क्योंकि डाइवा मीन्स टैग मीन्स ऑलमोस्ट डाइवा कंपनी भी ये वीडियोस चेक करते हैं, तो डाइवा के लिए मैसेज है, हो सके जितना हो सके वो रॉड्स के लिए कवर्स देना कोशिश कीजिए, तो ये रिक्वेस्ट करते हैं हम इंडियन एंग्लर्स, बस इतना ही बोल सकते हैं। बाकी अगर कुछ अच्छा लगा थोड़ा बैग्स दे दीजिए रॉड्स को, क्योंकि आजकल के माहौल में 500 रुपये का रॉड आ रहा है उसको भी रॉड कवर आ रहा है, लेकिन डाइवा खासकर ये एक ही ब्रांड है जो रॉड कवर नहीं देते, लेकिन रॉड्स बहुत बेहतरीन देती है, वही प्रोडक्ट बहुत अच्छा देता है लेकिन प्रोडक्ट को जो सेफ्टी का चीज़ है वो नहीं देता है, ये मेन पॉइंट है। एक रील 13000-15000 का है, एक रील उसको एक कोच तक नहीं देता है, तो ये थोड़ा अपग्रेड कीजिए हमारे इंडियन एंग्लर्स के लिए। तो डाइवा विंड कॉस्ट, तो पहले मैं एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि तीनों एक साथ मैं पकड़ के बता भी नहीं सकता हूं, बाकी स्क्रैचेस डैमेज वगैरह करना नहीं चाहता हूं मैं, क्योंकि अच्छे रॉड्स का सेफ्टी करना ज़रूरी है। तो विंड कॉस्ट थोड़ा देख लीजिए, 15 फीट में आता है, तो 15 फीट में विंड कॉस्ट, और खास करिए सर्फ फिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है ये रॉड को, सर्फ फिशिंग के लिए। और हर बार समझाते रहता हूँ, लेकिन बार बार समझाना पड़ता है क्योंकि हर बार कोई भी वो वीडियो देखा नहीं रहता है, या तो न्यू सब्सक्राइबर होते हैं, तो उसी लिए। तो क्रॉस फायर, सॉरी विंड कॉस्ट खासकर ये सॉल्ट वाटर फिशिंग के लिए है, जो सर्फ फिशिंग करते हैं उनके लिए, जो लाइव बेट यूज़ करते हैं या तो कुछ भी आपके टेक्निक के हिसाब से यूज़ करते हैं उनके लिए ये रॉड है। और पूरा 15 फीट में आता है, 15 फीट में आता है, और एक स्रैप ग्रिपिंग के साथ आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और पिछला वीडियो में मैं क्लियरली एक्सप्लेन भी किया हूँ आप क्या क्या फिशिंग कर सकते हैं, और मेरे पीछे वीडियोस में वहाँ भी जाके चेक कर सकते हैं, ये रॉड का पूरा क्लियरली मैं एक्सप्लेन किया हूँ। सोच रहा हूँ शायद अभी टाइम ज़्यादा हो गया, और ये मक्खी बहुत काम दे रही है यहाँ पे, तो उसीलिए थोड़ा मैं वीडियो जल्द फिनिश करता हूँ। तो विन कॉस्ट ये बाकी डिटेल आप कैटलॉग में चेक कर सकते हैं, या तो पीछा वीडियो देख सकते हैं। और लेंथ आता है 5.53 सेक्शन में, और क्लोजिंग लेंथ है 150 सेंटीमीटर। कॉस्टिंग वेट है 150 to 250 ग्राम, 150 ग्राम से 250 ग्राम तक का यूज़ कर सकते हैं इस पे आप। और लाइन रेटिंग है 20 to 50 LB, और यहाँ पे एक अब्जोर किया मैं, मेड इन वियतनाम, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इस बार जो स्टॉक आया है, जितना भी अभी स्टॉक आया है, पूरा मेड इन वियतनाम है, मेड इन चाइना नहीं है, क्योंकि डाइवा का मेड इन चाइना से भी आता है, तो मेड इन वियतनाम से इस बार का स्टॉक आया है, क्योंकि ये भी बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि स्टॉक पहुँचने के बाद यहाँ पे मेड इन चाइना दिया है, तो एक्चुअली क्या है, ब्रांचेस अभी इसका मेन ब्रांच है यूएस में, तो यूएस से हर जगह एक एक ब्रांच होता है उनका, मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ वहाँ पे, तो ये लोग जो पास में पड़ता है वो फैक्ट्री से इंडिया को पहुँचाते हैं। तो मेड इन चाइना मीन्स ऐसा मत समझिए कि वो ख़राब है, मैन्युफैक्चरिंग सेम रहता है, प्रोडक्ट भी सेम रहता है, जो चीज़ उसको इस्तेमाल किया जाता है वो भी पूरा सेम रहता है। और कॉपी का जो प्रोडक्ट है मैं सीधे बोल के देता हूँ, वो तो टेंशन मत लीजिए, वो तो मैं सीधे बोल के दूंगा, ये कॉपी है, वो ओरिजिनल है, ये सब तो ओरिजिनल है, तो मेड इन चाइना जो बहुत लोग पूछते हैं उनके लिए ये बताया हूँ। और ये आता है सेकेंड सेक्शन, तो सेकेंड सेक्शन में दो गाइड आते हैं, तो सेकेंड सेक्शन में दो गाइड, और आगे का सेक्शन ये फ्रंट का सेक्शन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5 गाइड आते हैं, तो 5 गाइड 5 + 2 = 7, ऑलमोस्ट 6 + 1 गाइड है ये रॉड में, लेकिन बिग गेम के लिए बहुत बेहतरीन है, जो सॉल्ट वाटर फिशिंग करते हैं उनके लिए। अगर बहुत लोग पूछते हैं 40 किलो 50 किलो का मुझे कतला निकालना है, रॉड भी मजबूती चाहिए, तो आप लोग भी ये रॉड को ले सकते हैं, तो स्पेशली प्रोफेशनली ये रॉड बनाए सॉल्ट वाटर के लिए। अगर रोहू कतला जो बड़े बड़े साइजेस टूट जा रहे हैं, रॉड कौन सा भी यूज़ करूँ टूट जा रहा है, तो ऐसे बताते हैं, तो आप लोग ये रॉड ले सकते हैं हेवी गेम के लिए, क्योंकि कार्प रॉड, खासकर कार्प रॉड स्पेशली स्लिम बनते हैं, स्लिम फाइट का मजा लेने के लिए और आराम से उसको थका के निकालने के लिए रॉड कार्प रॉड बनते हैं, लेकिन इसमें भी हमारे भाइयों को हेवी चाहिए, तो हेवी चाहिए आप लोग इसको ले सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली सॉल्ट वाटर के लिए खासकर ये रॉड है। तो जो भी प्राइस है स्क्रीन पे आ जाएगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं, और बाकी क्लियर डिटेल्स मैं कैटलॉग में दे दूंगा, वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का।